नमस्कार साथियों, साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वृषभ राशि वालों के लिए 3 नवंबर 2023 को शुक्र का कन्या राशि में प्रवेश करना क्या फल देगा, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सावधानी रखनी है और वीडियो के अंत में आपको उपाय बताएंगे जिसे करके आप शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं। साथियों सबसे पहले निवेदन है, यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों को भी जानकारी प्राप्त हो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के अंत में जरूर लाइक करें। साथियों शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में आपको सुख देता है, वो कैसा भी सुख हो, पत्नी सुख हो, संतान का सुख हो, माँ बाप का सुख हो, भाई बहनों का सुख हो, सुख प्रदान करता है। दूसरा धन देता है, यानी कि आपकी जो जरूरतें हैं, घर मकान घोड़ा गाड़ी बंगला सब कुछ, ये अच्छे अच्छे कपड़े, ये सारी चीजें शुक्र ही प्रदान करता है। वृषभ राशि में शुक्र क्या फल देगा 3 नवंबर 2023 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक, क्योंकि शुक्र 3 नवंबर 2023 को कन्या राशि में प्रवेश करने वाले हैं और नवंबर माह में ही 30 नवंबर को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि स्वयं राशि में प्रवेश कर जाएंगे। क्या फल है, क्या असर है, इस वीडियो में बताते हैं। साथियों शुक्र चूंकि एक ऐसा ग्रह है जो अपनी खुद की राशि में प्रथम भाव में विराजमान है, पांचवी दृष्टि शनि की राशि मकर राशि पर है और शुक्र और शनि परम मित्र हैं। चूंकि शुक्र और शनि परम मित्र हैं इसलिए वृषभ राशि के जातकों को अच्छे मार्ग से नवंबर माह में धन का लाभ प्राप्त करना चाहिए। यदि गलत तरीके से धन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो किसी न किसी दंड के भागीदार होंगे। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप ऐसे विभाग में हैं जहां आप ऊपरी कमाई करते हैं तो प्लीज वृषभ राशि के जातक स्त्री हो या पुरुष हो रिश्वत लेना बंद कर दें, नहीं तो दंड के भागीदार हो सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं। नवंबर माह वृषभ राशि वालों के लिए यह बड़ी अशुभ खबर लेकर आया है। हाँ पैसा बहुत आएगा, लाभ बहुत आएगा, शुक्र आपको लालच दिखाएगा, लेकिन अगर सही मार्ग से वो धन आ रहा है तो वृषभ राशि के जातक बिल्कुल स्वीकार करें, बिल्कुल प्राप्त करें, लेकिन अगर आपको लगता है ये इनलीगल है, अवैध है, गलत है तो सारे कार्यों को वहीं रोक दें, ध्यान रखें इस बात का। वृषभ राशि के जातकों के लिए प्रेम संबंध हैं आपके तो प्रगाढ़ होंगे, साथ ही साथ आपके विवाह के योग आएंगे, साथ ही साथ संतान सुख या संतान प्राप्ति के योग होंगे। यह नवंबर माह आपको इतना सब कुछ देने जा रहा है, लेकिन लोभ और लालच गलत कार्यों से आपको बहुत बचकर रहने की आवश्यकता होगी। चिंताएं बढ़ा सकता है, मित्रों से जो आप उम्मीद लगा के बैठे हैं वो जरा कम कर दें। नवंबर माह में किसी पर आश्रित होकर कोई कार्य ना करें, नहीं तो सिर्फ आश्वासन के शिकार होंगे, कार्य तो कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ पैतृक संपत्ति का आपको लाभ मिल सकता है, अगर आपके दादा परदादा बाबा इनकी कोई संपत्ति है
और बहुत दिनों से वो आपको प्राप्त नहीं हो रही या कुछ उसमें अड़चन आ रही है, तो सब पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, पिता से सहयोग प्राप्त हो सकता है। और निश्चित मानकर चलें कि नवंबर का माह धन लाभ के लिए तो बहुत अच्छा है, संतान प्राप्ति के योग हैं, लेकिन संतान को कष्ट के भी योग हैं। इसलिए संतान की सेहत का और सुरक्षा का बेहद ध्यान रखें। शुक्र चूंकि जैसा मैंने बताया ऐसा ग्रह है कि जो आपको रातों रात राजा बना देता है, तो रातों रात आपको वनवासी भी बना देता है। इसलिए जो जो सावधानी बताई हैं उनका अनुपालन करें, उनको माने, किसी भी प्रकार का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला। आप नवंबर माह में जो भी सोचोगे वो सब पूरा होगा। क्योंकि शुक्र नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वृषभ राशि के जातकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लाभ की स्थितियां जरूर बनेंगी, लालच जरूर दिखाई देगा, लेकिन अगर आप मोह और लालच में फंसेंगे तो फिर भारी नुकसान, संकट, मुसीबत का सामना भी करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।